कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। दिल्ली आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू। पहले तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए, ये बहुत आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल टाइम फॉर ऑल थ्री ऑफ अस कि हमारी ये फिल्म आ रही है। हर एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है, हमारे लिए भी है, पर हमें सचमुच साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा और वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस फिल्म, क्योंकि कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। बहुत टाइम से मार धाड़ एक्शन वाली अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, पर ये एक बीच में थोड़ा सा जो हमारा एक बेसिक डीएनए है ना बॉलीवुड ऑडियंस का, कि लव स्टोरी, हंसी मजाक, पॉपकॉर्न, एंटरटेनमेंट, वैसी वाली लाने की कोशिश है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन विद अस टुडे एंड ट्रेलर देखते हैं। बैड न्यूज बताते हुए इतनी खुशी हो रही है ना दैट वी हैव द स्टार कास्ट ऑफ बैड न्यूज अमंग अस लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी का सबसे पहले तो दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत। बहुत टाइम निकाला है मेट्रो की सीढ़ियों पे हवा खाते हुए और मूलचंद भी हमारा एक फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, बट आई वाज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, इट वाज अ वेरी स्पेशल सुपर। और उसी के साथ साथ देखिए, हम वैसे चीटिंग करने वाले थे कि हम ट्रेलर देख लें, पर हमने कंट्रोल किया और हमने बोला था कि हम ट्रेलर देखे आप सभी के साथ देखना चाहते हैं। पहली बात तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग हर बर्थडे, यस इट्स अ वेरी स्पेशल डे, और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो विल जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड गुड न्यूज की जो आपने बात की वो जब आएगी तो विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, बट टिल देन जस्ट there's no truth to that, there's only speculation which is coming from the media. तो इस वक्त आप बैड न्यूज एंजॉय कीजिए, जब गुड न्यूज का टाइम आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप जो चाहे हमें बुला सकते हैं, दैट यू आर द किंग मेकर, तो आप जो चाहे जो टाइटल दे वो सराखों पर है। हम तो हर फिल्म से यही कोशिश करते हैं कि आपका प्यार मिले, बाकी जो आप टाइटल दें वो मंजूर है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो ट्रेलर में होंगी, तो मैंने ट्रेलर जब एक रात पहले देखा था, आई टोल्ड हर दैट यू आर ऑल्सो इन द ट्रेलर, एंड देन व्हेन शी सॉ द ट्रेलर शी स्पोक अबाउट एवरीथिंग बट दैट मोमेंट, बिकॉज शी लाइक हाँ ये तो ठीक है, बाकी मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। बट मैं उनसे वही कह रहा था कि हम दो साल से मेहनत कर रहे हैं ये पिक्चर बनाने में, आप एक जगह आती हो फोटो में पूरे तालियां आप ही बटोर के लेके जा रही हो। बट शी वॉज हैप्पी टू सी द ट्रेलर एंड शी इज एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म आल्सो नाउ। पहली बात तो ओवरवेल्म्ड हाँ फील होता है, बट इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि हमने ना बहुत साल मेहनत की है ऐसा रिस्पॉन्स लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को इतना पसंद आए, वो रील बनाए, वो वीडियोस बनाए। एंड ये प्यार मतलब हमारे लिए ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस वगैरह बहुत अच्छी बात है एंड एवरीबडी इन द टीम गेट्स हैप्पी, क्योंकि फिल्म पैसे कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, किसी ने पैसे लगाए हैं वो फिल्म पर। पर ये जो प्यार है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो लोगों का आपके पास आना, कहना कि यार ट्रेलर अच्छा था, गाना अच्छा था, वो स्टेप अच्छा है, ये चीज़ों के लिए मेहनत, सच में अगर आप बताओ तो ये इसके लिए हम मेहनत करते हैं। हमारे भी जो टेक्नीशियंस हैं, मतलब जो मोस्टली डीओपीज लगा लो आप, या हमारे राइटर डायरेक्टर्स भी बॉम्बे में ही हैं, चाहे पंजाब के रहते हैं वहाँ मुंबई में ही हैं, और टेक्नीशियंस हमारे मोस्टली मुंबई से ही आते हैं। बस वो बजट का ही है जो मतलब है, सो तो हादसा वाली बात, लेकिन वो बननी है मतलब 3 करोड़ लोगों के लिए, या मैक्सिमम चलो मैं पूरे इंडिया में भी पंजाबी हूँ, मैं 4 लगा लो या ओवरसीज के मिला के, राइट, तो एक फिल्म बननी है 140 करोड़ लोगों के लिए, सो बजट का तो रहेगा, ये सारी उम्र ही रहेगा ये, मतलब कभी वो हाँ अगर मतलब जैसे मतलब साउथ में फिल्में बन रही हैं, या अगर हमारी हिस्ट्री पे फिल्में होंगी, जैसे हमारा रणजीत सिंह और हरी सिंह नलवा, अगर वैसी फिल्में जैसे 300 टाइप की मेकिंग हुई थी वैसी फिल्में बन जाए पंजाब में, तो पंजाबी सिनेमा भी ऑब्वियसली, मैम आज से 15 या 20 साल पहले फिल्म 1 या 2 करोड़ का बिजनेस करती थी और रोज रेट होती थी, आज फिल्म 100 करोड़ कर रही है, रिसेंट जट एंड जूलियट ने दोबारा करके दिया, आज आजकल में हो जाएंगे 100 करोड़, पहले कैरियन जट्टा ने किए थे। That's my favorite genre, but I feel as an actor it's really really important that you keep trying different things, that you keep challenging yourself, and comedy shuru se hi mujhe thoda difficult lagta tha, so in a way it was very good for me that I got offered this film, and I want to thank Anand sir from the bottom of my heart for trusting me with the film, because किसी को उस लेवल पे जब आपने देखा नहीं हो कॉमेडी करते हुए और इस फिल्म में लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए डिफिकल्ट था, यस, और स्पेशली इन दोनों के सामने, क्योंकि दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं जैसे कि आपने देखा, और इन दोनों की कॉमेडी टाइमिंग कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। डिफिकल्ट था बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड आई थिंक इट्स
in life also I would want to keep trying. I would want to do different roles. I would want to do action, comedy, drama, everything that is offered. So yeah. कैसी ट्रेनिंग रही और ऊपर से जैसे कि नितिक सर ने प्रेस किया और कंपटीशन के लिए और बाकी सनी देओल ने भी आपको एक स्टोरी डाल के प्रेस करा था कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो क्या कहना चाहेंगे तो? नहीं एक्चुअली जब हम ये फिल्म तो बन चुकी थी और हमें एक प्रमोशनल गाना शूट करना था तो जब ये बात छिड़ी कि अच्छा यार वी आर कोलैबोरेटिंग विद करण औजला उसका एक ट्रैक है वी लव द ट्रैक फ्रॉम द वर्ड गो तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार इसको जमा के कुछ करते हैं एंड ऑफ कोर्स द कोरियोग्राफर्स बॉस्को सीजर वो 20 सालों से उन्होंने ऐसे ऐसे गाने कोरियोग्राफ किए हैं इतने अच्छे अच्छे गाने कोरियोग्राफ किए हैं चाहे वो ऋतिक सर के साथ हो कटरीना के साथ हो सबके साथ हो तो सो वी वर वेरी हैप्पी विद द टीम दैट केम टुगेदर और फिर मेरे ख्याल से 3-4 दिन मिले थे इसको सीखने के लिए एंड हैंड्स ऑफ टू बॉस्को सर एंड हिज टीम जिन्होंने मुझे सिखाया मेहनत की मेरे पे और फिर जो मेहनत का फल था वो तो आप सबने दे दिया इसको इतना प्यार मिला है तो इवन आई हर्ड द नरेशन आनंद तिवारी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अमृतपाल सिंह बिंद्रा हु इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म धर्मा दे आर लाइक फैमिली मेरी धर्मा के साथ 4th फिल्म है ये आनंद की पहली फिल्म जो थी लव पर स्क्वायर फुट उसमें भी मैं था दिस इज हिज फर्स्ट थिएट्रिकल फिल्म तो जब मैंने नरेशन सुनी आई वॉज लाफिंग लाइक मैं कुर्सी से गिर रहा था एंड देन उसके बाद मेरा पहला सवाल था कि भाई ये सच में ऐसा कुछ होता है या सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हो आप तो उन्होंने वो मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाए सब कुछ तो आई थिंक जस्ट fact that I got to collaborate with my own family was a very very like in a very happy way toba toba feeling for me because aapko ek pata nahi ek na comfort feel hota hai jo bahut rare hota hai ki na ek yaar ghar ke logon ke sath hum kaam kar rahe hain picture bana rahe hain there's no formality there's no ice breaking kuch odd feel nahi hota maze mein shoot karte hain so wo ek feeling na bahut special hai and jo aaj sab step ki baat kar rahe hain maine thoda ghar se leke aaya hu वो मुझे दिया गया है वो बॉस्को सर ने दिया हुआ है सो आई थिंक एब्सोल्युटली एवरी पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा आर द रियल हीरोज हु बिल्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो हाँ पहली जो एक वाहवाही तारीफ जूते चप्पल जो भी पढ़ने होते हैं वो हमें पहले पढ़ जाते हैं बट दे आर रियली द हीरोज एक इट टेक्स एन आर्मी इट टेक्स 300 लोगों का एफर्ट जाता है टू क्रिएट अ सॉन्ग अ फिल्म एनीथिंग You know, so हाथ चुम्मे हैं and मेरी memories was something which was very path breaking I felt as a song that he had created तो उसपे मैंने reel बनाई थी तभी की पाजी कैसा है कि मतलब इन्होंने बहुत गाने hit करवाए हैं जैसे एक reel बना के भी मानेंगे नहीं तो फिर अभी मान डांट के वैसे मैं नहीं नहीं मैं मानता नहीं पाजी डांट देते मुझे पाजी मानते क्यों नहीं तुझे मान जाते अब सेस्ट गाना पाजी ने चलाया मानते हो है और कितने गाने चलाए पाजी ने यार तो लिटरली अभी तक पाजी की अपनी खुद की फिल्म चल रही थी अभी बता दो ना तब लोगों का इनका गाना जो अच्छा खासा सुपर डुपर हिट गाना था इनकी खुद की फिल्म का इतना मतलब 500-700 मिलियन हो गया वो लोग नहीं बोलते थे ऑब्सेस्ड पे डांस करके दिखाओ तो पाजी ने जेन्युइनली मतलब अच्छी खासी लोगों की हेल्प की और अच्छी बात है पर इनके पंजाबी गानों से इतना प्यार है कि कभी भी हम लोग जब चिल करने बैठते थे तो मतलब फोन सिर्फ इनका ही कनेक्ट होता था या तो इन्हीं पाजी का या इनका और पूरी रात ही 6-6, 7-7 घंटे हमें ठेठ पंजाबी म्यूजिक सुनाते थे जो मेरे और आनंद सर के सर के ऊपर से जाता था कभी कभी मेरे को भी नहीं पता होता ये पंजाबी गाना किसी का आगे पाजी बता रहे होते थे पाजी ये सुना ये है मैं कहा ठीक है पाजी ऐसे तारों ने आपको बहुत अच्छे कमेंट्स दिए ऐसा कोई इंसान था जिसके लिए आप स्पेसिफिकली वेट कर रहे थे जिसके रिएक्शन के लिए और उनका रिएक्शन कैसा था एंड तृप्ति जब लैला मजनू आई थी तब वो इतनी फेमस नहीं हुई थी एंड आफ्टर एनिमल लैला मजनू की इतनी सारी रील्स जो वायरल हो रही हैं इसकी वजह से आप प्रेज हो रहे हो हर रोज लाइक इवन इफ आई ओपन इंस्टाग्राम टुडे आई वॉच लैला मजनू लाइक एनीथिंग तो आपको कैसा लगता है कि अब लैला मजनू इतनी ज्यादा फेमस हो रही है लेकिन तो बहुत खुशी होती है उस टाइम पे यस आई वाज डिसहार्टेंड क्योंकि जब मेरी फिल्म लैला मजनू रिलीज हो रही थी मुझे याद है एक दिन पहले ऐसे जाते हैं ना सब्जी लेने मार्केट में तो मैं गई थी और मैं सोच रही थी कल तो मेरी फिल्म रिलीज हो रही है कल से मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी परसों से फिर सब्जी खरीदी धनिया टमाटर हो गया था बट जब से वो फिल्म ओटीटी पर आई है उसके बाद इतने लोगों ने देखा और आज इस फिल्म को 6 साल हो गए हैं एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ हर रोज एक दिन ऐसा नहीं होता है जब मुझे लैला मजनू के लिए मैसेज नहीं आता इंस्टाग्राम पर लोगों का एंड आई गो थ्रू ऑल द मैसेजेस फ्रॉम फैंस तो एवरी डे देयर इज सम अदर पर्सन हु इज टेक्सटिंग मी फॉर लैला मजनू एंड मतलब दैट इज व्हाट वी डू फिल्म्स फॉर एंड दैट इज व्हाट वी एक्ट फॉर एंड इट्स यू नो
I'm very very grateful that kya sawal tha sir acha gaane ka haan gaane ka main haan actually I want to share something of course you know when you get love from the legends of the industry it feels great but aaj subah na mujhe Bosco sir ne ek message bheja hai paaji he sent me a screenshot of a dm he got of ek ladke ne unhe dm kiya with a video and pictures unka bhai hai jo 7 saal se he's been paralyzed to unhone Bosco sir ko ye dm kiya video bhejte hue ki yaar pehli baar maine apne bhai ke samne I tried to do that step and I failed and he smiled after 7 years and मतलब both me and Bosco sir got so emotional with this man I was like Bosco sir और क्या कमाना है life में like you know if these are the moments you can spread सारी मेहनत सारे you know पैसे कितने कमाते हैं नहीं कमाते हैं वो life में चलता रहेगा but when you come to know of these stories ना this is what you feel कि यार वो जब दो दिन हम एकदम रगड़ा के 24 घंटे काम करके गाने कर रहे थे ना it was all worth it It was all worth it. So I think the magic is in these moments that we crave for as artists. कि ऐसी खुशी अगर पहुंच जाए, हमारे सारी मेहनत सफल हो जाती है. Filmania, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा.